आप आसाराम बापू जेल में हैं। हरिओम, जय गुरुदेव। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय को लेकर अब लाखों लाखों लोग सड़क पर उतर कर घेराव कर रहे हैं। सांसदों का, मंत्रियों का, संविधान का पूर्णतः सम्मान व पालन करते हुए निर्दोष संत की रिहाई की मांग कर रहे लोग। इस वीडियो में हम देख रहे हैं लखनऊ के दृश्य, जहां केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के करीबी माने जाते हैं, उनके आवास के सामने लखनऊ के सैकड़ों साधकों ने नारे लगाए। मंत्री जी को पूज्य बापू जी के निर्दोषता के प्रमाणों के साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गुजरात तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम 4 ज्ञापन भी सौंपे। दर्जनों पत्रकार भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने मंत्री जी से, पूज्य बापू जी से जुड़े कई सवाल किए। क्या कहा मंत्री कौशल किशोर जी ने, आइए सुनते हैं। भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं जी। इतना सारा बापू जी के साथ गलत हो रहा है। 11 साल से बापू जी निरुद्ध हैं। बापू जी को कई गंभीर बीमारियां हैं। एक बापू जी इतने लोगों के सामने सत्संग कर रहे हैं, उसी समय की बात है। लड़की फोन पर किसी और से बात कर रही है, उसकी ये कॉल डिटेल है और वो कॉल डिटेल कोर्ट में छिपाई गई, उसका ये सबूत है। उसके बाद ये सारी जो एविडेंस है सारे बाबूजी के सपोर्ट में है, फिर भी एविडेंस और बाबूजी तो मतलब बाबूजी का पहली चीज केस बोगस है, दूसरी चीज बाबूजी का जो कंडक्ट पूरा सेवा कार्य रहे हैं, इतने दैवी कार्य पहले भी चले और आज भी चल रहे हैं, उसको भी नजरअंदाज किया गया। फिर तीसरी चीज बाबूजी का अभी 87 वर्ष बोला, ये सारे बता सकते हैं लेकिन इसको नजरअंदाज किया गया, लोअर कोर्ट ने नजरअंदाज किया, इसीलिए हाई कोर्ट में वो सब प्रोसेस चल रहा है। लेकिन बाय द टाइम बाबूजी का जो बेसिक जो उनके मानवाधिकार हैं उनको, उनका हनन तो नहीं होना चाहिए। अब उनके हेल्थ का जो इशू चल रहा है उसको लेकर के सबसे ज्यादा हम लोग पीड़ित हैं। आज इतनी भारी संख्या में हम लोग इसीलिए आए हैं क्योंकि आज डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े, एम्स हॉस्पिटल जो जोधपुर का है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिया कि अब हमारे बस का इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, बापू जी को हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए दवा दी जाती है। लॉयर भी ये बात कह रहे हैं कि मेडिकल बेल मिलती है, मेडिकल बेल का आसाराम बापू जेल में हैं और केस के मामले में, तो जो सब उनके अनुयायी आज आए हुए मेरे पास, इनका एक ज्ञापन आदरणीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नाम है, राष्ट्रपति जी के नाम, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक ज्ञापन है और एक मुख्यमंत्री जी जो गुजरात के हैं माननीय भूपेंद्र पटेल जी के, उनके नाम एक ज्ञापन है। तो इस ज्ञापन की कॉपी को हम भेजेंगे और प्रयास करेंगे कि जो इनकी मांग है उस पर विचार करके, और जो इनकी मांग है उसको पूरा करने का काम किया जाए, ऐसा मैं एक बार प्रयास करने का काम करूंगा और इसे भेजने का काम करूँगा। मंत्री जी, केंद्र में पिछले 10 साल से आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी सरकार है, तो 10 सालों में अगर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अभी कोर्ट में मैटर है, इसलिए कोर्ट के मैटर पे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, कोर्ट ही निर्णय करेगा। लेकिन जो और जो चीज़ों की इनकी जो डिमांड है उस पर बात करने के बाद ही बता पाएंगे। थैंक यू।